दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लव मैरिज का ट्रेंड चल रहा है। हर एक अभिनेता अभिनेत्री या तो अपने को स्टार को पसंद करके शादी रचा लेते हैं या फिर अदर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लड़के या लड़की से। वो अपने प्यार को पाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी रचा लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो इतने मॉडर्न एंड पॉपुलर होने के बावजूद अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की लड़के से शादी रचाई है। ऐसा नहीं है कि उन्हें टीवी इंडस्ट्री में कोई हमसफर नहीं मिला, पर इसके बावजूद उन्होंने अपनी पसंद को छोड़ अपने माता पिता की पसंद से शादी करना ही सही समझा। आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं सितारों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने माता पिता की पसंद की गई लड़की और लड़के से शादी रचाई है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, दृष्टि धामी। इस लिस्ट में सबसे पहले मधुबाला शो से फेमस हुई अभिनेत्री दृष्टि धामी का नाम शुमार है। यूं तो बताया जाता है कि इनका अफेयर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला से चला था, पर अभिनेत्री दृष्टि धामी ने सिद्धार्थ शुक्ला को अपना लाइफ पार्टनर न बनाते हुए अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के नीरज खेमका के साथ 2015 में घर बसाया, जो कि एक बिजनेसमैन है। हालांकि एक अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी दोनों के प्रति एक दूसरे के दिल में काफ़ी इज्जत और बेशुमार प्यार है। इनकी जोड़ी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि रियल में इनकी अरेंज मैरिज हुई, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नंबर टू, दिव्यांका त्रिपाठी। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक समय दिव्यांका त्रिपाठी शरद मल्होत्रा से कितना प्यार किया करती थी, पर शायद शरद मल्होत्रा ने उनके प्यार को ना समझा और उन्हें बीच मोड़ पर ही छोड़ दिया, जिसके चलते दिव्यांका त्रिपाठी ने कसम खा ली थी कि आज के बाद वो किसी के अफेयर में नहीं पड़ेंगी और अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करेंगी। उसी दौरान इनके माता पिता की मुलाकात ये है मोहब्बत फेम एक्टर विवेक दहिया से हुई, जहाँ उन्हें उनका स्वभाव काफ़ी पसंद आया और साथ ही दिव्यांका त्रिपाठी को भी उनका नेचर काफ़ी पसंद आया। और इस तरह से दिव्यांका ने अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के यानी कि एक्टर विवेक दहिया के साथ साल 2016 में शादी के बंधन में बंध गई। और आज विवेक दहिया दिव्यांका त्रिपाठी को बिल्कुल एक एंजल की तरह प्यार करते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी स्पेशल फील करवाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अरेंज मैरिज भी किसी लव से कम नहीं होती। नंबर थ्री, शरद मल्होत्रा। एक वक्त पर शरद मल्होत्रा का नाम दिव्यांका से जुड़ा था। दोनों का अफेयर 8 साल तक चला, लेकिन शादी के नाम पर शरद मल्होत्रा पीछे हट गए। ऐसे में दिव्यांका उनसे दूर हो गई। वही प्यार में नाकाम होने के कारण शरद ने अपने माता पिता की पसंद की लड़की रिप्सी से शादी कर ली। रिप्सी फैशन डिजाइनर है और दोनों की जोड़ी खूब जमती है। नंबर फोर, निकितन धीर। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के थंगाबली बने निकितन धीर अपने गुड लुक्स के कारण भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में उन्हें किसी के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस नहीं हुआ। इसके बाद उनकी जिंदगी में आई कृतिका सिंगर। निकितन के लिए कृतिका को उनके पिता पंकज धीर ने पसंद किया था। दरअसल पंकज धीर एक शॉर्ट फिल्म के दौरान कृतिका से मिले थे, जहां वो कृतिका सिंगर के अच्छे व्यवहार से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे निकितन और कृतिका को मिलवाया और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। और इस तरह से साल 2014 में अपने पिता की पसंद से इन्होंने शादी रचाई, जिनके साथ आज ये काफी बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। नंबर फाइव, अनस रशीद। टीवी शो दिया और बाती हम से प्रसिद्ध हुए अनस रशीद ने भी अरेंज मैरिज के जरिए अपनी जीवन साथी हिना इकबाल को चुना है, जो कि कॉरपोरेट प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं है कि अनस रशीद को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, बल्कि इनका अफेयर हिटलर दीदी फेम रति पांडे के साथ चला था। पर जब शादी की बात आई तो इन्होंने अपने माता पिता की पसंद को ही चुना, सही समझा। जी हाँ, हिना इकबाल को उनके माता पिता ने ही पसंद किया था और जब उन्होंने हिना को अनस से मिलवाया तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी थी और शादी के बंधन में बंध गए। और आज ये इस अरेंज मैरिज के साथ काफ़ी खुश हैं और एक बेटी के पिता भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप हमें जोड़ी का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।